हाँ, स्वागत है। और देखिए, आप सभी के सामने मैंने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक सेलिंग के साथ आपको ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन ओपनिंग के बाद काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। देखिए, नीचे की चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 38,000 का काफी अच्छा खासा एक सपोर्ट था, जो कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि भाई अगर इस लेवल के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है या मार्केट सेलिंग के साथ मिलता है तो नीचे की साइड जो हमको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा वो ज्यादातर सीई के अंदर देखने को मिलेगा, ना कि पीई के अंदर देखने को मिलेगा। और देखिए, पीई बाइंग करने का सबसे अच्छा जो लॉजिक था वो हमारा ऊपर की साइड का था, यानी हम ऊपर की साइड इस जगह पीई बाइंग करने की कोशिश कर सकते थे, जो कि ऊपर की साइड आपको देखने को भी मिला कि मार्केट देखिए 39,650 के आसपास देखिए मार्केट आपका जाता हुआ दिखाई दिया, और उस लेवल से जो आपको सेलिंग देखने को मिली वो नीचे की साइड देखिए 39,000 तक की आपको सेलिंग देखने को मिली, यानी मार्केट आज देखिए लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट किया। और अगर मैं इस बात को बोलूँ कि आज के दिन देखिए मार्केट के अंदर सीई के अंदर भी पैसा बनाए और पीई के अंदर भी पैसा बनाए तो इस बात को भी कहना गलत नहीं होगा। देखिए, कुछ कॉल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए थे, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मार्केट तेजी में था तो इस जगह मैंने अपना तेजी का भी व्यू बताया था, और जब मार्केट में एक सेलिंग आपको दिखाई दे रही थी तो उस सेलिंग में भी मैंने इस जगह व्यू पब्लिश किया था और जबरदस्त पैसा हमको बनते हुए दिखाई दिया। ये हमारे कुछ मेंबर्स हैं जिनका पैसा बनते हुए दिखाई दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब चलिए, मैं इस जगह जो मैं आपको देखिए अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको बताया था वो मैं आपको बताया था इस जगह। सबसे पहले तो देखिए, आप सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो मैंने आपको 1100 लाइक का पहली बार मैंने आपको बोला था, आप सभी ने इसको पूरा किया और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, मान लीजिए कि मार्केट में एक सेलिंग के साथ गिरावट आपको देखने को मिली, मार्केट नीचे ओपन हो गए मान लीजिए, तो आपको बहुत मजबूत जो आपको सपोर्ट दिखाई देता है ना वो इस जगह देखिए नीचे वाले लेवल पे, जो कि 38,900 का जी आपको बहुत मजबूत सपोर्ट है। मान लीजिए कि मार्केट अगर आपका देखिए 500 से लेके 600 पॉइंट आपका नीचे ओपन हो गया, कुछ भी हो सकता है, ऐसा मत समझिए कि मार्केट आपका मूव नहीं दे सकता। आज दिया ना, उससे पहले भी दिया था ना, मार्केट इतना तो नीचे गया था, किसी ने सोचा था कि भाई इतना नीचे जाएगा और इतना नीचे जाएगा। ठीक है, कितना गया था इस टाइम 700 से लेके 800 पॉइंट गया था। ठीक है, उससे डबल मूव दे दिया मार्केट ने, किसी ने सोचा था नहीं सोचा। तो आप ये सोचिए कि अगर मार्केट नीचे मिलता है तो इस लेवल पे भी हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं, यानी नीचे के लेवल, यानी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल मैंने नीचे की साइड एक जगह सीखी बाइंग करने की आप सभी को बताया था। देखिए, आपके मार्केट में व्यू बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, आप हमेशा अपने व्यू पे टिके रहना चाहिए। अगर आपने इस लेवल पे बिल्कुल मार्केट में बात किया तो वहाँ से भी अगर आप देखोगे तो जबरदस्त आपका देखिए एक मूव देखने को मिला, जो कि ऊपर की साइड अगर हम बात करें तो 500 से लेकर 600 पॉइंटों का मूव देखने को मिला। देखिए, जो लोग हमेशा टिप के पीछे लगे रहते हैं कि भाई कहीं से टिप मिल जाए तो उनका पैसा नहीं बनता, क्योंकि मार्केट देखिए नीचे लो पे आपको मौका दे रहा है, लो पे बाइंग करने का मौका दे रहा है, तो इस बैंक की प्राइस पे आपको बिल्कुल सीखी बाइंग करके चलना था। और आज का लाइक का टारगेट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आज का लाइक का टारगेट हम 1200 लाइकों का रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको पूरा करोगे। चलिए, आप समझ लेते हैं कि मार्केट में आगे कैसे काम करना चाहिए। और देखिए, मैंने आप सभी के सामने इस जगह वन डे का चार्ट ओपन किया। वन डे के चार्ट पे देखिए दो चीजें मैं आपको इस जगह क्लियर करना चाहूंगा, और देखिए आपको इन पर बिल्कुल ध्यान भी देना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखोगे तो ऊपर का लेवल आपको ध्यान देना चाहिए इस लेवल पे, जो कि आपका कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का लेवल था 39,650 का। इसके बारे में मैंने कल अपडेट किया था कि आपका एक हाई पॉइंट है, लेकिन यहां से सेलिंग दिखाई दे रही है। बाइंग आपको जब भी करना है जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, आज के दिन भी आपका नहीं निकला और कल के दिन भी मार्केट इसके ऊपर नहीं निकला था, यानी इतनी तेजी आने के बाद भी मार्केट उसी लेवल पे आके रुक जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक बेरिश पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन नीचे सपोर्ट की बात करें तो नीचे तो मैंने आपको बता के रखा था कि भाई नीचे की साइड जो आपका सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इस जगह 38,800 से लेके आपका 38,900 के समथिंग है, यानी जो आपका लो लेवल है ये एक आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। अब देखिए, अब इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मार्केट में कहाँ पर क्लोजिंग हुई है इस जगह देखिए 39,000, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, ठीक है, इस प्राइस को मैं लिख देता हूँ 39,301 पे आपकी मार्केट में क्लोजिंग हुई है। अगर मार्केट कल इस प्राइस को ऊपर साइड निकलता है, यानी ये आपका देखिए मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ, बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ, ना आपको तेजी ना मंदी, बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ है, और जैसे ही ये इस प्राइस को ऊपर की साइड निकलता है, यानी अगर मैं बात करूं जगह 39,350 के लेवल अगर निकाल, इस लेवल के ऊपर देखिए हम क्या बाइंग कर सकते हैं, हम बिल्कुल सीई बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा आज रेजिस्टेंस है उसको पार करना काफी जरूरी है जब भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल के ऊपर जाने दीजिए, आपका मार्केट 50 पॉइंट और ऊपर जाता है जब भी आपको तेजी, बस कंडीशन
इसमें एक ही आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट देखिए नीचे की साइड ओपनिंग देता है, ठीक है, लेकिन ऊपर क्लोजिंग देना कंपलसरी है, यानी मार्केट इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग देना कंपलसरी है। फिर इसमें देखिए हमको टारगेट क्या देखने को मिलेगा, तो पहले टारगेट की हम बात करते हैं 39,420 का आपको देखने को मिलेगा, इसको 21 कर लीजिए। अब अगर हम बात करें तो इस जगह देखिए 39,510 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें तो आज का जो इसका हाई है 39,650 के समथिंग, यानी इन टारगेट के लिए आप मार्केट में काम कर सकते हो अगर मार्केट इस प्राइस के लेवल के ऊपर निकलता है, यानी बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम काम कर सकते हैं। देखिए मैंने आप सभी के सामने इस जगह ऑप्शन चेन ओपन किया। देखिए ऑप्शन चेन के डेटा पे मैं आपको दो चीजें इस जगह क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इस जगह देखिए आपका जो एक्सपायरी डेट है वो इस जगह 8 सितंबर का आपको देखने को मिलेगा, यानी आज की एक्सपायरी आपको हो चुकी है मार्केट में। और आपको देखिए इस जगह जो क्लोजिंग रेट आपको दिखाई दे रहा है वो इस जगह दिखाई दे रहा है। और देखिए अगर आपको हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए एंजल जडोदा अप स्टॉक एलएस ब्लू के साथ, और ज्वाइन हो जाइए हमारे पेड ग्रुप में जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपडेट आप सभी को दिया जाते हैं और स्टॉक भी दिए जाते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और फ्री टेलीग्राम चैनल का तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं इस जगह की। देखिए इस जगह सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आपको किस प्राइस पर दिखाई देता है, जैसे कि आज के दिन हमने देखा है कि मार्केट में देखिए जो नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यानी 38,900 के समथिंग हमको इस जगह एक सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसका जो लो है वो एक सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई देता है इस जगह 39,500 के समथिंग का दिखाई देता है। यानी अगर हम बात करें तो इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट जाता है, ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसके ऊपर जाता है जब भी हमको तेजी देखने को मिलेगी, अन्यथा नहीं देखने को मिलेगी। अगर देखें मार्केट नीचे की साइड भी ओपन होता है ना तो घबराने वाली बात नहीं है, जैसे कि आज के दिन भी आपको काफ़ी अच्छा मौका देखने को मिला। इस टाइप का देखिए मौका आपको मिलते रहेंगे जब तक मार्केट इस जगह 38,900 को नीचे की साइड पार नहीं करेगा, जब तक आपको मौके मिलते रहेंगे। लेकिन तेजी की अगर हम बात करें तो तेजी के लिए आपको 39,500 इस प्राइस को ऊपर की साइड पार करना पड़ेगा, यानी डेली बेसिस पर पार करना पड़ेगा। जब आपको कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर की साइड जो मूव देखने को मिलेगा, यानी फ्रेश मूव देखने को मिलेंगे, वो 200 से लेके आपको 400 पॉइंटों के देखने को मिलेंगे, और फिर मार्केट आपका 40,000 के समथिंग जा सकता है। बात को बिल्कुल पूरा आप समझिए कि जब मैं 40,000 की बात कर रहा हूं, जब मार्केट इस जगह 39,500 के ऊपर क्लोजिंग देगा। देखिए इसमें एक पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा मार्केट में सबसे पहले हो क्या रहा है कि इस ट्रेड लाइन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रेड लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे की साइड भी अगर आप देखोगे तो ये आपको एक पूरा ट्रेड लाइन दिखाई दे रहा है। इसी में अगर हम एक प्राइस को ऐड और कर देते हैं तो ये प्राइस आपको इस प्राइस से ऐड होते हुए दिखाई देगा, जो कि कहीं ना कहीं इस जगह 39,200, यहाँ पर मैं आपको लिखना चाहूंगा 39,200, ठीक है, जो आपका प्राइस है। मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग दिया है, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर है। अब मार्केट देखिए क्या होना चाहिए कि ऊपर से प्राइस से अगर ये ऊपर से नीचे आया, ठीक है, जगह थोड़ा कंसोर्ट किया और फिर नीचे की साइड निकल गया, किस प्राइस के नीचे निकला, जो कि अभी दिखाया था मैंने 39,200, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे अगर जाता है, ऊपर से नीचे की बात की है मैंने, ऊपर से नीचे की साइड जाता है तो उसमें हम कहीं ना कहीं सेलिंग करके चल सकते हैं, यानी हम पीई बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया। अब देखिए यहां पे एक चीज और समझना चाहिए कि जो 39,200 वाला जो प्राइस है ना, ये सीधे पार नहीं करना चाहिए, यानी आपका इस जो बिल्कुल सीधे पार करेगा तो हम इसमें काम नहीं करेंगे। हम इसमें काम कब कर सकते हैं, इस प्राइस के पहले ही जो आपका 20 से लेके 25 मिनट आपका ये क्या करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ये जगह कंसोलिडेट करना चाहिए, ठीक है, टाइम स्पेंड करने के बाद जब ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा ना तो आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, यानी बहुत बढ़िया मूव आपको देखने को मिलेगा नीचे की साइड। फिर देखिए उसके टारगेट क्या होंगे, तो टारगेट की हम बात करते हैं जगह। पहला टारगेट तो जो आपको देखने को मिलेगा वो 39,100 का, दूसरा टारगेट आपको देखिए 39,000 का देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी लेवल है। आप सभी को याद होगा कि साइकोलॉजी लेवल के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बना के रखा है, और दूसरा और लास्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा 48,850 का, यानी इन टारगेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर से नीचे आया, कंसोलिडेट किया, कुछ समय बिताया इस जगह 20 से 25 मिनट बिताए, और फिर इसने नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, यानी इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ये वाला लेवल आपको दिखाई दे रहा है, इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, तो हम इसमें पीई बाइंग करके चल सकते हैं, और टारगेट मैंने आपको बता ही दिए हैं। देखिए काफ़ी लोग इस जगह बात करते हैं कि नई तेजी हमको कहाँ से देखने को मिलेगी, और देखिए नई तेजी के बारे में मैंने आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि नई तेजी में आपको जब तक प्ले नहीं करना चाहिए जब तक मार्केट एक प्राइस को ऊपर की साइड नहीं निकाल देता। देखिए यहाँ पर मैं लॉजिक बताता हूँ, सबसे पहले अगर आप इस प्राइस पर देखोगे फर्स्ट नंबर पर तो मार्केट ने इस प्राइस को नहीं निकाला, सेकंड नंबर पे अगर आप देखो जब भी नहीं निकाला, अभी भी आप देखो जब भी नहीं निकाला, यानी जो प्राइस आपको जो दिखाई देता है ऊपर की साइड देखिए जो आपको प्राइस दिखाई दे रहा है जो 39,900 पे, इस प्राइस पे काफी लोग फंसते हुए दिखाई देते हैं। क्यों फंसते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो ऊपर की साइड सीखी बाइंग कर रहे हैं, और जबकि मैंने आपको बता के रखा है कि हमको ऊपर नहीं बाइंग करना है, ऊपर हमको बिल्कुल बाइंग नहीं करना है, हम ऊपर जब भी बाइंग करेंगे जब मार्केट
इसके ऊपर निकल जाएगा, यानी कंसोलिडेट करने के बाद इसके ऊपर निकलेगा। जब भी हम इसमें सिक्की बाइंग करने की कोशिश करेंगे 39,600 के ऊपर, उससे पहले नहीं करेंगे। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे ही इस जगह मौका देते हुए दिखाई दे, और नीचे हमको देखिए, जब हमको नीचे मौका दिखाई दे रहा है, नीचे ही हमको देखिए 500 से लेके 600 पॉइंट हमको काफ़ी अच्छा मौका दिखाई देता है। अभी आप देखोगे तो इस जगह भी आपको मौका मिला था, इस जगह से भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको 400 पॉइंटों का इस जगह भी मौका मिला था। यानी जो FIS और DIS हैं, उनके डेटा को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है कि FIS और DIS इस जगह क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका वीडियो मैंने बनाया था अपने YouTube चैनल पे, मैंने आपको बताया था, उस वीडियो को भी बना के उसमें भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिला। तो आप वीडियो देखा करो, कंटिन्यू देखा करो, वॉच किया करो, जब भी पैसा बनेगा। अब देखिए मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम इसमें सिक्की बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है मैं फिर से समझाता हूँ। आपका जो 39,600 का जो प्राइस है, मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट किया और इसके ऊपर निकाल दिया, ठीक है, तो इसमें हम सिक्की बाइंग करके चल सकते हैं। फिर हमारा क्या टारगेट होगा, सिक्की का टारगेट होगा, यानी कंडीशन हमारा इतना सही है, ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर निकलना चाहिए। फिर हमारा देखिए टारगेट क्या होगा, तो टारगेट की बात कर लेते हैं। 39,700 का पहला टारगेट होगा, 39,800 का दूसरा टारगेट होगा, और लास्ट टारगेट की बात करें तो 39,900 का लास्ट टारगेट दिखने को मिलेगा। यानी इन टारगेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं। बाकी सभी लॉजिक मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपका जो भी सवाल है मुझे कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।